रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं, रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाता है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज फिर से हम लोग जो है निकल पड़े हैं आपका वीर से लेकर धनरुआ तक का अपडेट लेने के लिए गाइस। तो हम लोग वीडियो में बने रहिए और आपको पूरा का पूरा रास्ता का जो है पूरा व्यू आपसे शेयर करने वाले हैं। तो फिर से हमारा वीडियो आ चुका है भाइयों, और आप जो है कंटिन्यूसली हमारे वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका धनरुआ तक का जो रोड का स्थिति है वो कैसा है, तो गाइस और यहाँ पे हमारी गाइस जो बाइक का स्पीड है काफी हैवली चल रहा है, और आप देख रहे हैं इसका सीधा साधा एग्जांपल आपको रेलिंग से पता चलेगा, जिससे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मेरी बाइक का स्पीड बहुत ज्यादा है। बट अगर आप बीच के लाइन को देखेंगे तो वहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और बात करें रास्ते की, तो रास्ता तो मक्खन की तरह जबरदस्त सीन होने वाला है, और यहाँ पे देखें तो सब जगह पे खाली खाली सा ही दिख रहा है गाइस। और हर जगह पे जो है रोड का जो है कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बीच का जो डिवाइडर है वो भी बन चुका है इस साइड में, और रोड दोनों साइड का जो है काफी मस्त है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं फिलहाल आपका बीर, और ये बीर का मंडी है, और यहाँ से हम लोग धीरे धीरे निकलेंगे आगे की ओर और सीधे निकलेंगे धनरुआ के लिए गाइस। तो धनरुआ के लिए निकलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो है रास्ते पे जाम वगैरह भी मिल जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जब भी आए तो गाड़ी को स्लो कर ले। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण जो है हमारी जो बाइक है अब वो साइड ले जाने में जगह नहीं था, जिसके कारण हम लोगों ने ये साइड में लिया। जैसे कि उस भाई साहब ने जो है कट मारा, मैंने भी कट मार ला, और कट मार के आगे फिर से अपने साइड में आगे गए। तो यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जो है अगर आप ओवरटेक करते हैं तो आपका जो है थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए अपने बाइक पर, तभी आप ओवरटेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा गाइस। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आप यहाँ पे जो है ओवरटेक वगैरह कर रहे हो तो स्पीड आपका अच्छी खासी होनी चाहिए बाइक में, जिससे आसानी से आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप ओवरटेक कर पाए। और बाकी तो यहाँ पे जो स्पीड की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड होने वाला है, और रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ज़बरदस्त हो चुका है, और इस तरह से हमारा जो बाइक है वो चल रहा है गाइस। तो जो काफ़ी दिनों से ये रोड जो है बना नहीं था, जिसके कारण जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, बट अब जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हो चुके हैं, काफ़ी ज़बरदस्त हो चुके हैं गाइस, जिसके कारण आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि राइडिंग यहाँ पे करना काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है, अगर आप अच्छे खासे बाइक से आ रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड गाड़ी चला सकते हैं। पर हाँ, स्पीड को ध्यान रखिएगा क्योंकि अगल बगल में जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण हो सकता है कि बीच में एक अचानक से जो है कोई बंदा आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, तो उसका कंट्रोल भी आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बट अगर बात करें रोड की तो भाई मक्खन की तरह रोड हो चुका है, और यहाँ पे आप आसानी से राइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए जितने भी बाइक्स वगैरह जा रहे हैं सारे के सारे 60 प्लस में जा रहे हैं गाइस, 60 मतलब 40 के स्पीड में कोई भी बाइक यहाँ पे आपको चलते हुए दिखाई नहीं देने वाला है। हाँ, इक्का दुक्का को छोड़ दे तो, क्योंकि जो रोड है ना काफ़ी ज़बरदस्त बन चुका है, और स्पेस चूँकि खाली खाली सा होता है तो यहाँ पे स्पीड चलाना काफ़ी आसान भी हो जाता है, एक्सीडेंट का भी चांस कम है, क्योंकि देखिए साइड से डिवाइडर वगैरह भी धीरे धीरे लग जाएगा तो फिर डावर और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। और यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, धनरुआ की तरफ हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस कुछ मिनट और लगेंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट्स में जरूर करिएगा, पिछले बार भी अपडेट दिए थे तो इस बार भी अपडेट आप ले लें, और रोड का जो स्थिति है वो भी देख लें, एक एक जगह का हम जो है सारा चीज़ दिखाते जा रहे हैं गाइस, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो अगर आप इस साइड से आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब इस रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी धूल वगैरह भी उड़ रहे थे, जिसके कारण जो है इस साइड से आना काफ़ी टफ हो गया था। मैंने सिर्फ एक बार ही आया था, पूरे शरीर को जो है झिंझोर कर रख दिया इस रोड ने। मैं उसको लगभग 1 से 1.5 साल बाद में इस पर ट्रेवलिंग करने जा रहा हूँ, तब जाके जो है रोड का ये हालत हुई है। तो स्टार्टिंग में अगर आए थे तो भैया मत पूछिए, सबसे पहले तो गर्मी का दिन था तो गर्मी लग रही थी, दूसरा था कि रोड बन रहा था तो वहाँ पे क्या था बड़े बड़े पत्थर थे, और चौथा सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे ना काफी धूल कण उड़ रहे थे जो डायरेक्ट हेमलेट के अंदर तक जा रहे थे, जिसके कारण जो है एक तो गाड़ी का जो वाइब्रेशन, ऊपर से जो हेमलेट का वाइब्रेशन, और प्लस रोड का हालत खराब, काफी टफ हो जाता है ट्रेवलिंग करना। बट अभी जो मजा आ रहा है ना काफी जबरदस्त वाला आ रहा है गाइस,
बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग जो है अब आगे की और भी तेजी से चलेंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी जब अच्छे रोड होते हैं तो उसको राइड करना भी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है, हमारे बाइक वगैरह में वाइब्रेशन कम होता है जिसके कारण क्या होता है ना, मज़ा आता है बाइक वगैरह चलाने में। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस तरह से हम लोग जो है आगे काफ़ी दूर जाएंगे और वहाँ पे आराम से जो है आप राइड कर पाएंगे। धीरे धीरे हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं जो मार्केट में एंट्री लिए और एंट्री के बाद हम लोग कुछ दूर पे चल रहे हैं और हम लोग फाइनली जो है धनरुआ पहुँच चुके हैं और यही है धनरुआ का मार्केट जहाँ पे आप देख रहे हैं। और फाइनली गाइस आपका अपडेट यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।